नमस्ते बच्चों, डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल सीता सावंगी ई लर्निंग क्लास में मैं आपके हिंदी टीचर कविता आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हमारी हिंदी कक्षा में कहानी सुनेंगे और आज की हमारी कहानी है घमंडी मक्खी। तो आइए बच्चों, शुरुआत करते हैं। एक जंगल में बहुत से प्राणी अच्छे से मज़े से रहते थे। वह जंगल में बहुत खुश थे। वहीं उनके साथ रहती थी एक मक्खी। एक दिन उड़ते उड़ते मक्खी ने देखा, यह क्या, जंगल के महाराज शेर तो बड़े आराम से सो रहे हैं, क्यों ना इनको जाकर परेशान किया जाए। फिर वह मक्खी शेर महाराज के कान के पास जाकर गुनगुनाने लगी, भिनभिनाने लगी। उसकी आवाज़ से शेर महाराज की नींद खुल गई और वह गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा, ए मक्खी, छोटी सी तो है नहीं पर मुझे परेशान कर रही है, मैं अभी तुझे पंजे में पकड़कर मसल दूंगा। मक्खी बोली, अरे रे 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 रे, जंगल के महाराज शेर को यह बात शोभा नहीं देती है। अगर आप खुद को इतना ही बलवान समझते हो तो मुझे हरा कर दिखाओ। तब मक्खी शेर महाराज के नाक पर बैठी तो उसको उड़ाने के लिए शेर महाराज ने नाक पर पंजा मारा। वहाँ से उड़ी वह पीठ पर बैठी, उसको उड़ाने के लिए शेर महाराज ने पीठ पर पंजा मारा। ऐसे करते करते मक्खी एक जगह से दूसरी जगह उड़ती उड़ती जाती थी। इस प्रकार पंजा मार मार के शेर महाराज ने खुद को ही घायल कर लिया था और अब अंत में शेर महाराज थक गए, परेशान हो गए। उन्होंने कहा, मक्खी बहन, मैं हार गया और तुम जीत गई हो, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। यह सुनकर मक्खी घमंड में चूर हो गई और आगे उड़ती चली गई। आगे चलने के बाद उसे हाथी दादा मिले। हाथी दादा उससे बिना बात कहे अपने आगे आगे चल रहे थे। यह देखकर मक्खी को और गुस्सा आया। मक्खी बोली, ए हाथी, मैं अभी अभी जंगल के राजा शेर को हरा कर आ रही हूँ, उन्होंने मुझे प्रणाम किया, चलो तुम भी मुझे प्रणाम करो। हाथी दादा ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करना बेकार है, क्यों ना मैं इसे पट से प्रणाम करके आगे निकल जाऊँ। तो हाथी दादा ने उसे कुछ न कहते हुए प्रणाम कर लिया और वह आगे निकल पड़े। यह सब झाड़ियों में से एक लोमड़ी चुपचाप देख रही थी और सुन भी रही थी। उसे मक्खी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने सोचा, यह मक्खी कितनी घमंडी है, इसको तो एक ना एक दिन सबक सिखाना ही पड़ेगा। लोमड़ी यह सोचकर आगे चलती गई तो उसे मक्खी मिली। मक्खी बोली, ए लोमड़ी, कहाँ जा रही है। लोमड़ी ने कहा, अरे मक्खी बहन, मैं तो यूं ही इधर टहल रही थी। मक्खी ने कहा, ए लोमड़ी, चल मुझे झुककर प्रणाम कर, अभी अभी मुझे जंगल के राजा शेर ने और हाथी ने प्रणाम किया है। लोमड़ी ने यह सुनकर मक्खी को झुककर प्रणाम किया और उसकी तारीफ करते हुए बोली, मक्खी बहन, आप ना बहुत होशियार हो, आप बहुत शक्तिशाली हो, पर जो जंगल में एक मकड़ी रहती है ना, वह आपके बारे में बहुत भला बुरा कहती है। यह सुनकर मक्खी को बहुत गुस्सा आया। वह बोली, कहाँ है वो मकड़ी, मुझे उसके तरफ ले के चलो। लोमड़ी मक्खी को उस मकड़ी के तरफ
लेके गई। मक्खी मकड़ी के पास आकर बोली, ए मकड़ी बाहर निकल। मकड़ी बाहर आई और मक्खी ने कहा, तू मेरे बारे में भला बुरा कहती है? मकड़ी ने कहा, अरे मक्खी बहन, मैंने तो आपको कुछ नहीं कहा। उसकी बात सुनने से पहले ही मक्खी ने उस पर हमला किया और मकड़ी के जाले में जाकर फंस गई और वही लटक कर परेशान हो गई। मक्खी को अपनी गलती समझ में आ गई थी कि दूसरों को परेशान करने से कोई महान नहीं होता है, हमेशा सबके साथ प्यार से रहना ही अच्छी बात होती है। तो मक्खी के जाले में फंसने के बाद सभी जानवर जंगल में आराम से रहने लगे। उसके बाद मक्खी ने किसी को भी परेशान नहीं किया। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, हमेशा सबके साथ प्यार से रहना चाहिए। धन्यवाद।